तो आप लेना चाहते हैं एक बहुत ही कमाल का और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बढ़िया फ़ोन जिसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छी फ़ोटो और बहुत ही अच्छी तरीके से आप पिक्स ले सकें, या फिर सेल्फी कैमरे से सेल्फी ले सकें, बड़ी ही अच्छी और ब्राइट एंड क्रिस्प आप पिक्स ले सकें, जिसमें कि आपको डिटेल वाइज भी डेप्थ भी हो और जूमिंग भी आप कर सकें। अगर आप एक अच्छा कैमरा वाला फ़ोन लेना चाहते हैं और आप एक ज़बरदस्त फ़ोन जिसमें आप लोगों को कैमरा परफॉर्मेंस अच्छी मिले वो लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अगर आप अंडर 10,000 की रेंज में एक बेस्ट फ़ोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ यहाँ पर टॉप 3 बेस्ट फ़ोन अंडर 10,000 की रेंज में, जिससे कि आप एक बेस्ट कैमरा फ़ोन स्मार्टफोन ले पाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कैमरा परफॉर्मेंस की, तो कैमरा परफॉर्मेंस सभी में लगभग आप लोगों को मिल जाती है अच्छी, बट यहाँ पर हमने चूज करके रखे हैं आप लोगों के लिए 3 स्मार्टफोन जिसको आप लेकर अच्छी पिक्स और क्लिक्स ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ तीसरे फोन से। तीसरा फोन हमारा आता है Xiaomi की तरफ से, Redmi Note 7 Pro। जी हाँ दोस्तों, Redmi Note 7 Pro एक कमाल का कैमरा परफॉर्मेंस वाला फोन है जिसमें आप लोगों को 12 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है, बट एक कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब मिलती है इसमें। अगर इसमें डिटेल और डेप्थ की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी डेप्थ मिलती है यहाँ पर। पोर्ट्रेट मोड बढ़िया आप लोगों को मिलता है और एज डिटेक्शन भी अच्छा मिल जाता है। सेल्फी के मामले में भी आप लोगों को इसमें कैमरा परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है। तो चलिए जानते हैं इस फोन की स्पेसिफिकेशन और प्राइस। Redmi Note 7 Pro की अगर स्पेसिफिकेशन जाने तो परफॉर्मेंस के मामले में ऑक्टा कोर 2X का आप लोगों को स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर मिलता है, 4GB रैम और 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ, जो कि एक अच्छा प्रोसेसर है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.3 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले 409 PPI डेंसिटी के साथ मिलती है, IPS LCD। और कैमरे की अगर बात करें तो 48+5 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा देखने को मिलता है। आप लोगों को पिक्स इससे बड़ी ही कमाल की मिलती हैं। एक बड़ा आप लोगों को सेंसर मिलता है LED फ्लैश के साथ और 13 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है। देखने में लुक वाइज भी आप लोगों को ये फ़ोन अच्छा लगता है। जहाँ पर बैटरी 4000 mAh की बैटरी मिलती है, क्विक चार्जिंग 4.0 का सपोर्ट और USB टाइप सी पोर्ट मिलता है। अब अगर बात करें इस फ़ोन की तो आप लोगों को 9,999 रुपये की कीमत में ये फ़ोन मिल जाता है, जो कि एक Xiaomi की तरफ से एक बड़ा ही कमाल का फ़ोन है जिसमें आप पिक्स वगैरह आराम से बहुत ही अच्छी डिसेंट क्वालिटी की ले पाते हैं और यहाँ पर सेल्फी भी आप अच्छी ले पाते हैं। इस फ़ोन में आप लोगों को कैमरा परफॉर्मेंस ज़बरदस्त मिलती है। अब जानते हैं यहाँ पर हम अपने दूसरे फ़ोन की, अगर दूसरे फ़ोन की बात करें तो Realme की तरफ से 5i जो कि फ़ोन आता है, ये बड़ा ही अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस आप लोगों को इस फ़ोन में देखने को मिलती है। और अगर इस फ़ोन की बात करें तो इसमें आप लोगों को प्राइस भी अच्छी मिल जाती है। तो चलिए जानते हैं इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस। अगर बात करें यहाँ पर Realme 5i की तो परफॉर्मेंस के मामले में ऑक्टा कोर 2X का लोगों को स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर मिलता है, 4GB रैम और 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। जहाँ पर डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.5 इंचेस की HD डिस्प्ले देखने को मिलती है 270 PPI डेंसिटी के साथ, IPS LCD। जहाँ पर अगर कैमरे की बात करें तो 12+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा देखने को मिलता है LED फ्लैश के साथ। जहाँ पर 8 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है। बैटरी की अगर बात करें तो 5000 mAh की बैटरी मिलती है। अब अगर बात करें इस फ़ोन की कैमरा परफॉर्मेंस की तो कैमरा परफॉर्मेंस बड़ी ही लाजवाब आप लोगों को इसमें मिलती है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जो कैमरा सेंसर मिल रहा है वो बड़ा ही ज़बरदस्त मिलता है। फ्रंट कैमरे में भी आप लोगों को अच्छी पिक्स मिल जाती हैं। अब अगर इस फ़ोन की प्राइस की बात करें तो आप लोगों को 8,990 रुपये की कीमत में देखने को मिल जाता है। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आप कौन सा लेने को सोच रहे हैं फ़ोन, वो चाहे इस लिस्ट में हो या ना हो, आप कौन से कैमरे वाला फ़ोन आप लेने को सोच रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर अपने पहले फ़ोन की। पहला फ़ोन भी हमारा Realme की तरफ से आता है, Realme 5S, जो कि एक बड़ा ही कमाल का फ़ोन है जिसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छी कैमरा परफॉर्मेंस मिल जाती है, प्राइस भी मिल जाती है अच्छी। तो चलिए जानते हैं इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन और प्राइस। अगर बात करें 5S की तो आप लोगों को ऑक्टा कोर 2X का आप लोगों को स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर मिलता है, 4GB रैम और 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। जहां पर डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.5 इंचेस की HD डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि आप लोगों को 270 PPI डेंसिटी के साथ IPS LCD देखने को मिलती है। जहां पर ड्यू ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिलती है, एजेस बड़े ही पतले और चिन भी बहुत ही पतला मिलता है। कैमरे की बात करें तो 48+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा देखने को मिलता है LED फ्लैश के साथ और 13 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है।
अगर इस फोन की बात करें तो फोन देखने में बड़ा ही लाजवाब ब्राइट एंड क्रिस्प लगता है, बट अगर यहाँ पर इस फोन की बात करें तो इस फोन में आप लोगों को बहुत ही अच्छी कैमरा परफॉर्मेंस मिल जाती है, उसके साथ साथ आप लोगों को 5000 mAh की बैटरी मिलती है। अगर यहाँ पर प्राइस की बात करें तो 9999 रुपए की कीमत में आप लोगों को ये फोन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये तीन फोन जो है वो बहुत ही कमाल के हैं कैमरा परफॉर्मेंस में। अगर आप एक कैमरा परफॉर्मेंस के मामले में एक फोन लेना चाहते हैं तो इन तीनों फोन में से किसी एक के साथ जा सकते हैं। अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में आप कौन सा लेने को सोच रहे हैं, चाहे वो इस लिस्ट में हो या ना हो। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाकर ऑल का बटन दबा लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को उन लोगों को जो एक बेस्ट फोन लेना चाहते हैं अंडर 10,000 की रेंज में। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।